आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत के पास है और इसका आयोजन इस साल के अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है। ये साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बीसीसीआई ने आईसीसी को आगामी वनडे विश्व कप के लिए शेड्यूल ड्राफ्ट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच 2019 की फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 8 अक्टूबर को टीम इंडिया अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। उसके बाद टीम इंडिया अपना दूसरा मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलेगी और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। मजे की बात तो ये है कि ये मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है, क्योंकि ये मैदान भारत में क्रिकेट के लिहाज से सबसे बड़ा है। यहाँ 1,00,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की पूरी व्यवस्था है। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो पूरे मैदान में कोई भी सीट खाली नजर नहीं आती। पाकिस्तान से भिड़ने के बाद भारत अपने दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश का मुकाबला करेगा। मुकाबला पुणे में 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। 22 अक्टूबर को टीम इंडिया न्यूजीलैंड के चुनौती का सामना धर्मशाला में करेगी। टूर्नामेंट में अपना 6ठा मैच भारत 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। टीम इंडिया 9 मैदानों पर अपने ग्रुप मुकाबला खेलेगी और 11 नवंबर को भारत अपना आखिरी लीग मुकाबला बेंगलोर में खेलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार टूर्नामेंट का पहला मैच और 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला दोनों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जाएंगे।